दोस्तों अगर आप भी चाहते हो कि ऋषभ पंत जल्दी ठीक हो जाएं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों अपने होम टाउन रुड़की जाते वक्त ऋषभ पंत के साथ हुआ जानलेवा हादसा, तो ऋषभ पंत के खुलासे के बाद सरकार ने तुरंत सीबीआई को सौंपी जांच। तो बड़े सीबीआई अफसर नवीन कुमार चौधरी ने ऋषभ पंत के साथ हुए हादसे पर किया ऐसा होश उड़ा देने वाला खुलासा कि सुनकर पूरा भारत देश हुआ हैरान। तो दोस्तों आखिर क्या बोले नवीन कुमार खुलासा करते हुए, वो सब आपको तो वीडियो में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि ऋषभ पंत, रोहित शर्मा और धोनी में से कौन अच्छा खिलाड़ी है? अपनी कीमती राय हमें जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों आखिरकार टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत अब हादसे के बाद बिल्कुल स्वस्थ हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच हम आपको बता दें कि शुक्रवार को ऋषभ पंत अपने होम टाउन रुड़की जा रहे थे और उसी दौरान उनकी मर्सिडीज कार डिवाइडर से टकरा गई, जिसके चलते ये भीषण हादसा हुआ। हालांकि डिवाइडर से टकराने के बाद कार में आग भी लग गई और पंत किसी तरह कार से बाहर निकल पाए, लेकिन दोस्तों पंत को सिर और पैर में ज्यादा चोट लगी थी। हालांकि अच्छी बात यह है कि उनके सर और रीढ़ की एमआरआई रिपोर्ट नॉर्मल आई है। हालांकि इस हादसे के बाद पूरा देश ऋषभ पंत के लिए दुआ कर रहा है। और इसी बीच आज शाम देहरादून के मैक्सो अस्पताल से एक तस्वीर भी हम सभी के सामने आई, जिसने फैंस को काफी राहत दी। दरअसल खानपुर से विधायक और ऋषभ पंत के पारिवारिक मित्र उमेश शर्मा और ऋषभ पंत का हाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने एक फोटो पोस्ट की और पूरे परिवार के साथ वो नजर आए, जहां हर कोई नॉर्मल लग रहा था। हालांकि हम आपको बता दें कि ऋषभ पंत का जब कार हादसा हुआ तो दोस्तों इस बीच उनको बचाने वाले बस वो दो हरियाणा रोडवेज के बस चालक थे, जिन्होंने ऋषभ पंत की जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जी हां, हम आपको बता दें कि बस चालक सुशील कुमार ने वक्त रहते ऋषभ पंत को जलती हुई कार से बाहर खींचा और ऋषभ पंत नहीं तो कार के साथ ही जल भी सकते थे। और वहीं दूसरी तरफ कंडक्टर परमजीत ने तुरंत वक्त पाते ही एम्बुलेंस को कॉल मिलाया, जिसके चलते एम्बुलेंस समय पर आ सकी और ऋषभ पंत को पासी के सक्षम अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि हम आपको बता दें कि ऋषभ पंत अब पूरी तरह से स्वस्थ है, लेकिन दोस्तों अभी तक इस बात का पता नहीं चल पाया कि आखिरकार ऋषभ पंत के साथ यह हादसा हुआ तो, लेकिन 2 करोड़ की आने वाली मर्सिडीज गाड़ी जिसमें ऋषभ पंत सवार थे उसमें आग कैसे लग गई। और अब इसी की जांच करवाने के लिए खुद सरकार ने सीबीआई के अफसर नवीन कुमार चौधरी को अपॉइंट किया है ऋषभ पंत के हादसे की जांच करने के लिए। हालांकि ये मामला पुलिस के नजरिए से दूर रखा जा रहा है, क्योंकि पुलिस ने तो साफ तौर पर कह दिया था कि ऋषभ पंत को झपकी आ गई थी, इस वजह से उनकी कार डिवाइडर से जा लड़ी। लेकिन दोस्तों ऋषभ पंत का कहना है कि उनको झपकी नहीं आई थी। अब इस मामले पर सीबीआई अफसर नवीन ने जांच करते हुए एक बड़ा खुलासा कर बताया कि मुझे ऋषभ पंत की कार में कुछ ऐसे सुराग मिले हैं, जिसके बाद ये साफ हो जाता है कि ऋषभ पंत का एक्सीडेंट महज एक इत्तेफाक नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश लग रहा है। क्योंकि यहाँ पर जब सीबीआई अधिकारियों ने जांच की है तो उस बीच हमें पता चला कि ऋषभ पंत का एक्सीडेंट पलक झपकने या फिर झपकी आने से नहीं हुआ है, बल्कि उनकी कार जहाँ सड़क हादसा हुआ एक गड्ढे में चली गई थी। हालांकि इसमें 3-4 पहलू निकल कर आते हैं। इतनी महंगी कार कभी भी थोड़े से गहरे गड्ढे में जाने के बाद असंतुलित नहीं होती। इन गाड़ियों को बनाया ही इस प्रकार से जाता है कि गाड़ी अपने आप को किसी भी प्रकार से सेंसरों की बदौलत कंट्रोल कर सके। अगला तर्क ये निकल कर आता है कि ऋषभ पंत को जरूर नींद आ रही होगी और गड्ढे में गाड़ी जाने के बाद स्टेयरिंग पर से उनका कंट्रोल खो गया होगा और इस वजह से ही गाड़ी जाकर सीधा डिवाइडर से लगी है। हालांकि अगर इसमें कोई साजिश है तो वो जरूर पकड़ा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर नवीन कुमार चौधरी ने तो साफ कर दिया है। बाकी अब आप सभी क्या मानते हो कि सीबीआई अफसर नवीन कुमार चौधरी सही कह रहे हैं फिर गलत? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।